घूंघट डाले इस महिला की आंखों से टप टप गिरती आंसू की बूंदें देखकर किसी का भी कलेजा पिघल जाएगा। दरअसल इनके आंखों के सामने इसका घर कोसी में समा रहा है। कोसी के कोप के आगे ये लोग बेबस हैं। यह महिला बड़ी मुश्किल से अपने घर का कुछ सामान बचाकर पास के ही ग्रामीण सड़क पर शरण लिया है, लेकिन अब इसे रहने और खाने पीने की चिंता सताने लगी है। खुद खाना नहीं खाया है, कहती है कल से भूखी हूँ। कहती है घर में अनाज कपड़े और जो भी सामान था सभी कोसी की धारा में बह गए हैं। चार बच्चे हैं, माल मवेशी है और खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है। क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते कहते आंखों से आंसू की बूंदें फिर टपक जाती है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इस महिला की समस्या है, बल्कि इस तरह की समस्या आज दर्जनों परिवार के सामने है जिसका जमा पूंजी और घर कोसी में समा चुका है। सुनिए इस बाढ़ पीड़ित का हाल। और की सब तकलीफ है? नहीं रहा ठकान छे, खाय खा ठकान छे। की चाहे छे? की चाहबे ने, हमरा आर के कोनो खाद आ दे छे ने, खेत बने ला घर दे छे। हमरा आर के की ने दिक्कत छे, वा घर तर बुझे रोड पर बैठल छे, मरे छे। चार गो बाल बच्चा छे, पांच गो माल जा छे। आयो गो माल हो है तो गो बात छे, मर जेती है बात नहीं हो छे। और की छे, सब ने सब जान पन सब भैंस के लेधार में की छे जे बाल बच्चा खेते ना गुड़ गेल छे। यह मामला किशनपुर प्रखंड के मोजहा वार्ड नंबर 8 का है, जहां कुछ दिनों से कोसी के बढ़ते घटते जलस्तर ने करीब 50 घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। कुछ लोग जो सक्षम हैं, वो बड़ी मुश्किल से घर का ठाट और कुछ सामान घर कटने से पहले किसी तरह तोड़कर ऊंचे स्थानों पर लेकर चले आए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश घर कोसी के कटाव से नदी में विलीन हो जाता है। फिलहाल कोसी कटाव से पीड़ित लोग अपना कुछ उपयोगी सामान लेकर या तो ऊंचे स्थान पर रख दिए हैं या फिर पास के एक पुल पर अपना बसेरा बना लिया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं दिन भर ऊंचे स्थान पर बैठ कोसी की खलखल हुंकार भरती धारा को निहारती रहती है कि कब कोसी में पानी कम होगा और वो लोग लौट कर सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे। सुनिए इस बाढ़ पीड़ित का हाल। चीज के दिक्कत है? कौन चीज के लिए दिक्कत? हमरा का घर द्वार नै, घर द्वार नै कट के पुला पर बैठल छी। सामान देखै नै जे भूखा के फोटो के के देखाबे नै जे कते सामान कते छै करै छै सरकार। मोदी सरकार का, मोदी सरकार की करतै? अखनी सरकार एतै के कहिया हमरा के कहिया के हमरा के नै छै, हमरा के कहिया चुरा देलकै ये दलकै ये हमरा के कोई नै दलक छै, हमरा नै दलक ये मोदी सरकार को कुछ नहीं दल का या कुछ नहीं मिले वाला या कुछ आने खाए वाला की चाहे छे की मिले की कौन चाहिए हमरा परेशानी देखे छे ना परेशानी आपनी के पेट में देखे छे पेटे नहीं छे सब खराब भ गेल या धार का भर या नहीं दवा के कुछ नहीं दवा के नहीं दियो हे बोले सर सरकार सर घर अधीन कोसी के दबाव से नदी से घर कट गेले और राखे के घर राखे के स्थान नहीं छे हमरा के या रोड पर आके पुला पर अपना जीवन व्यतीत करी छे खाय से कम नहीं छे। कितना घर कटा है? कम से कम 50 के लगभग घर कटा है जी। तो आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? जी हम तो यही ठहरे हैं रोड पर, आपका सामने में ये मेरा झोपड़ी है। बाल बच्चा सब खाना पीना कैसे चलते हैं? जैसे तैसे चल रहा है। सरकारी सहायता मिलता है कुछ? ना सरकार ना बंद करता कि हमरे और कहते बंद क्या? अखन यो पुला कट जते तो कता रहते हैं छै रहे वाला कोनो व्यवस्था? पुला तो कटिए रहल छै। हां कटिए रहल छै, हेबा हेबा कटै छै यो पुला जा रहल, यो जा रहल कता जते लोग या की मांग करे छै सरकार से? सरकार से मांग कर छै हमरा का घर चाहिए सुरक्षा बांध चाहिए, घर चाहिए, हमरा के बाल बच्चा नहीं रहते कुछ तो कमाइयो का खेते ई बात चाहिए। सारा बेघर बना हुआ सब रोड पर, न खाना पीना न कोई व्यवस्था न कोई चीज का नहीं है। आदमी पूरा ही है बाकुल में, कोई देखने वाला यहाँ पर है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी कोई साधन नहीं है, सरकारी कुछ नहीं साधन है। कोसी तटबंध के अंदर मोजहा में बना यह पुल फिलहाल बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एक आसरा स्थल बन गया है।
जहां आसपास के सारे लोग इसी पुल पर दिन रात गुजारने को विवश हैं। पुल की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहां कोसी के पानी का खतरा नहीं रहता, लिहाजा लोग सारा सामान इसी पुल पर रखकर किसी तरह दिन रात काट रहे हैं। लेकिन यहां भी उसे प्रकृति के कोप का भाजन होना पड़ता है, क्योंकि दिन की तेज धूप और बारिश ने भी इन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल बढ़ा दी है। परेशानी में एकदम पूरे थे, ने खाए के ठिकाना थे, ने रहे के ठिकाना थे, की करते, एना बारिश हो बूंदा बूंदी होते रहे, की करते, कोई बस नहीं चलो के की बया रहे थे, की परेशानी अखनी तक एबा कटा छे, एबा घर तर छाय रहले है टीना वाला ओठा सब अखनी दूस आदमी नाव डूब गेले, उ ने उखरले सब पने में छे ओना पौल अब मट भर गेले तो घिच ले जाय छे मैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग करता हूँ, जो मझा पंचायत में जो अभी स्थिति है, सब लोग पीछे अभी सड़क पर शरण लिए हुए हैं, कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, बच्चे हो बुजुर्ग हो सब त्राहिमान कर रहे हैं, कितना मवेशी सबका भास गया, घर द्वार सबका पीछे विलुप्त हो गए कोसी नदी में, मगर अभी तक बड़ा नेता हो कि छोटा नेता हो वार्ड नंबर 8 में मोझा पंचायत में आने का कष्ट नहीं किए हैं। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, जो वार्ड नंबर 8 में आकर दृश्य देखे, जो 70-80 घर कोसी नदी में विलुप्त हो चुके हैं। कि आपको ज्ञात होगा कि पानी के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण कोसी नदी में 3 अंचल सुपौल, किशनपुर और सरायगढ़ में सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। सुपौल अंचल में 3 सामुदायिक रसोई कार्यरत है, किशनपुर में भी 3 और सरायगढ़ भक्तियाई में 5 सामुदायिक किचन अभी तक सक्रिय है, 5,000 से अधिक लोग इस सामुदायिक किचन में भोजन कर चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि आपदा में हो रही इस पीड़ा के समय उसे सरकारी मदद भी नहीं मिल रही है, हालांकि सरकारी दावे इसके विपरीत हैं। आपदा विभाग कहती है कि बाढ़ पीड़ितों को ड्राई राशन दिया जा रहा है, इसके अलावा शिविर भी लगाए गए हैं जहाँ खाना दिया जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि आज जब भारत के लोग चांद पर सैटेलाइट के सफल लैंडिंग का जश्न मना रहे हैं, ऐसे समय में कोसी तटबंध के अंदर बसे बाढ़ पीड़ित लोग रहने खाने पीने के लिए रो रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिए भी नजरें इनायत करें, ताकि इनकी तकलीफें कम हो सके और हम सब मिलकर एक साथ खुशी का जश्न मना सकें। दर्श न्यूज़ के लिए सुपौल से पीयूष की रिपोर्ट।